गाजियाबाद में दूल्हे की पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दरअसल बाराती दूल्हे की जमकर पिटाई करते दिख रहे हैं। दूल्हे पर लात घूंसे सब चलाए जाते हैं। दूल्हे की पिटाई क्यों हो रही है यह आप भी सुनेंगे तो शायद आपका भी दूल्हे को पीटने का मन करे। दरअसल खबर है शादी में खाना खाने के बाद दूल्हा पक्ष ने लड़की वालों से 10 लाख रुपए दहेज की डिमांड कर दी। लड़की पक्ष ने बताया कि पहले ही लड़के वालों को 3 लाख रुपए और 1 लाख की कीमत की डायमंड रिंग दी जा चुकी है। हालांकि इसके बावजूद शादी वाले दिन भी दूल्हा और उसके पिता 10 लाख रुपए नगद की डिमांड करने लगे। यही नहीं, दूल्हे पर यह भी आरोप है कि वो लड़की पक्ष वालों को बिना बताए दूसरी शादी कर रहा था। जैसे इसकी भनक लड़के वालों को लगी तो उन्होंने दूल्हे की धुनाई शुरू कर दी। इसी पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने फिलहाल परिवार पर दहेज अधिनियम और IPC की धाराओं के तहत परिवार के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। तो ये यूपी के गाजियाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से दुल्हन पक्ष की तरफ से ये गुस्सा पर पाया जा रहा है। ये गुस्सा लाजमी है, लेकिन जब कानून की बात आती है तो ये तस्वीरें उसकी भी तस्दीक करती हैं कि आखिर इस तरह से कानून को हाथ में लेना कितना सही है। तो पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। थाना क्षेत्र साहिबाबाद में दिनांक 12/12/2021 को एक शादी हो रही थी। बारात घर वृंदावन ग्रीन में शादी हो रही थी। शादी के दौरान लड़के के घर वाले 10 लाख रुपया अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे। जब लड़की पक्ष वालों ने इनके बारे में और जानकारी डिटेल लेनी चाहिए तो पता चला कि लड़के की ऑलरेडी 2 शादियां हो चुकी हैं। जब लड़की पक्ष को पता चला तो दूल्हे को पकड़ के और उसके पिता को पकड़ के उन लोगों ने मारपीट की और थाने को सूचना दी। थाने सूचना देने के पश्चात पुलिस पहुंची, उन लोगों को पकड़ के लाया गया और बादी लड़की पक्ष के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत करके आरोपियों को जेल भेजा गया।